बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अफनी मानस लाइफ व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होप्स हो सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी हूँ फाइन और मज़े में। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग किचन से। तो किचन में आज बनने जा रही है चिकन बिरयानी। तो चलिए आइए मेरे साथ कि मैं कैसे बनाती हूँ, नए तरीके से बनाऊँगी, आप लोग भी बना कर खाएं। बड़ी ही टेस्टी बनी है और बहुत ही मज़े की लगती है। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं चिकन बिरयानी, जिसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा सब्ज धनिया, पुदीना, एक अदद प्याज, 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, 3 अदद सब्ज मिर्चें, 1/2 पीस जिंजर का और चंद जवे गार्लिक के, 2 ग्लास चावलों के लिए, जिनको मैं अच्छे तरीके से वॉश करके पानी में डिप कर दूँगी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। चिकन को मैंने ऑलरेडी वॉश करके विनीगर में डिप किया हुआ था, अब उसको मैंने निकाला है, एक बास्केट में शिफ्ट किया, फिर वहाँ से उसका पानी जो था वो ड्रेन हुआ, तो मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। उसके ऊपर डाला है मैंने चिकन बिरयानी मसाला 2 टेबलस्पून, और फिर इसमें मैं डाल दूँगी 4 to 5 टेबलस्पून योगर्ट के। इसको ऐड करने के बाद मैं इनको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि इनकी मैरिनेशन जो है वो कम्प्लीट हो जाए और मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँ। तो यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, डीपली इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से ताकि मसाला जो है ना वो अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए, ताकि मसाला इनकी हड्डियों में अच्छे तरीके से रच बस जाए। चिकन बिरयानी बनाने के लिए और पुलाव बनाने के लिए हमेशा फ्रेश चिकन का यूज़ करें। अगर फ्रीज़ हुआ हुआ चिकन पड़ा है तो बिफ़ोर टाइम उसको बाहर निकाल के रखें ताकि वो अच्छे तरीके से अंदर तक कुक हो सके और मैरिनेशन के लिए भी अच्छे तरीके से वो तैयार हो सके। तो यहाँ पे मैं इसको रैपिंग शीट के साथ अच्छे तरीके से रैप कर दूँगी 15 मिनट के लिए, और उतनी देर में मैं प्याज काट लूँगी, टमाटर काट लूँगी, और बॉयल करने के लिए पतीले में पानी डाल के रख लूँगी, छोटे छोटे जो दूसरे काम है वो कर लूँगी और तड़के का सामान तैयार कर लूँगी। तो जी, यहाँ पे मैं काट रही हूँ प्याज, और साथ ही मैंने ऑयल को प्री हीट होने के लिए रख दिया है ताकि उसमें मैं प्याज डाल सकूँ। जी, प्याज भी कट गए हैं और ऑयल भी प्री हीट हो गया था। अब इनको मैं अच्छे तरीके से सौते कर लूँगी, डार्क सौते नहीं करूँगी, लाइट सौते करूँगी, क्योंकि अभी चिकन के साथ और इन्होंने सौते होना है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी चिकन और उसको भी अच्छे तरीके से रोस्ट करूँगी। देखिए, रोस्ट करने के बाद प्याज और चिकन जो है वो अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं और प्याज भी और कलर हो गया प्याज का तेज़। अब इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, फिर इसको अच्छे तरीके से रोस्ट करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए और इनमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो जज़ब हो जाए। अब इसमें मैं डालूँगी 3 अदद कटे हुए टमाटर और 1 अदद बड़े साइज़ की कटी हुई सब्ज़ मिर्च, इसको भी डाल के अच्छे तरीके से मैं रोस्ट करती जाऊँगी। जब ऑयल छोड़ देगा तो इसका मतलब है कि आपका चिकन जो है, मसाला जो है वो आपका तैयार हो चुका है। देखिए, चिकन का कलर भी कितना प्यारा हो गया और मसाला भी बिरयानी के मुताबिक है, तैयार हो गया। अब इसमें मैं डालूँगी बिरयानी मसाला फ्रेश जायके के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको बिरयानी मसाले में ही मैरिनेट करके रखा था। तो यहाँ पर मैं इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर दूँगी और फिर इसको रोस्ट करूँगी। रोस्ट करने के बाद मसाला तैयार है, साथ ही मैंने ये थोड़े से प्याज जो थे वो निकाल लिए थे, पुदीना धनिया काट लिया था, लेमन काट लिए थे, और साथ ही मैंने पानी जो था उसमें पुदीना डाल के और नमक डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब इसमें चावल ऐड करूँगी, 70% इन चावलों को मैं बॉयल कर लूँगी, और इसमें 1 अदद कटा हुआ लीमू जो है ना वो ऐड करूँगी, बीज वगैरह निकाल के, क्योंकि इससे चावल जो है ना, 1 टेबलस्पून आप ऑयल का और जो लेमन है ना 1 अदद कटा हुआ वो डाल दें तो चावल जो है ना वो बिल्कुल अकेले अकेले होते हैं और साथ चिपकते नहीं हैं, और चावल जो है ना वो ज़्यादा गलते भी नहीं हैं और बड़ी मज़े की लेयर्स लगती है। यहाँ पे बारी आ गई अब लेयर्स लगाने की। तो जी, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीस किया है इसको, कढ़ाई को, और अब इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं चावल। इस तरह 1 बाय 1 मतलब ना इनकी लेयर्स लगाऊँगी। अब इसमें ऐड करूँगी चिकन का मसाला जो मैंने तैयार किया हुआ है, उसके बाद फिर इसके ऊपर मैं ऐसे ही चावलों की लेयर लगाऊंगी। इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे और फिर इसके ऊपर चावलों की एक और लेयर लगा देंगे।
तो जी ये देखें कि चावलों की एक लेयर और लगा देते हैं और फिर इसके ऊपर बाकी की जो चीज़ें हैं वो लगा के तो दम लगा देंगे। चावलों को अच्छे तरीके से फैला देंगे, बोटियों को अच्छे तरीके से ढांप देंगे ताकि स्टीम में और गल जाएं। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा जर्दा रंग छिड़क देंगे और लेमन कटे हुए डाल देंगे, सब्ज़ धनिया, पुदीना और थोड़े से प्याज जो कि मैंने निकाल के रखे थे वो डाल देंगे और इसको 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। दम लगाने से पहले कढ़ाई के नीचे या पतीले के नीचे आप तवा ज़रूर रख लिया करें, उससे दम बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखें जी दम के लिए कढ़ाई तैयार हो गई है माशाल्लाह से। अब इसको दम लगा देंगे 15 मिनट के लिए। दम लग चुका है, 15 मिनट बाद इसको खोलेंगे जी। आफ्टर 15 मिनट मैंने इसका लिड रिमूव किया तो देखे कितनी मज़े की बिरयानी तैयार थी। ये है मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।